4 अक्टूबर सन 1942 में होलीपुरा गांव के परमानंद पांडे के घर एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम रखा गया अजीत, जिसे कोई जीत न सके। पिता का ज्यादातर काम कलकत्ते में था, परंतु परिवार की आमदनी कुछ खास नहीं थी, जिसकी वजह से पूरा परिवार किसी भी एक जगह टिककर नहीं रह सका। अपने नाम को सार्थक करते हुए अजीत ने परिवार के सब दुखों को हरने के उद्देश्य से पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और 16 जुलाई 1962 में LGC के पद पर PWT मेरठ में नौकरी शुरू कर दी। वही दूसरी तरफ देश की आजादी की खुमारी अभी उतरी भी नहीं थी कि 29 नवंबर 1948 को अजमेर के बीबाई गांव में श्री जयंती प्रसाद के घर एक प्यारी सी कन्या का जन्म हुआ। माता व पिता का साया बचपन में ही सर से उड़ जाने के बाद कभी दादी, कभी चाची, कभी भाभी और कभी बहन के पास रह रहकर अपनी पढ़ाई का क्रम जारी रखा। यूं तो पूरे परिवार ने सदैव प्यार व सम्मान के साथ ही रखा गया। सारे रिश्तेदारों में प्रतिस्पर्धा रहती थी कि उमा इस वर्ष किसके पास रहेगी। इतने सब के बाद भी उमा का ज्यादा लगाव अपनी खानदानी दादी ब्रज किशोरी और चाची कमला से था। उनके बच्चे भी उमा को अपने ही परिवार का अंग मानते थे। समय का पहिया कभी थमता नहीं है और समय के साथ परिस्थितियों में भी निरंतर बदलाव आता रहता है। अजीत का तबादला उत्तरकाशी हो गया। 5 भाई व 2 बहनों में से एक अजीत, इनकी शादी के लिए एक सुकन्या की खोज भी शुरू हो चुकी थी। इतने में ही उमा, जो कि इन दिनों अपनी खानदानी दादी के साथ रह रही थी, इनका रिश्ता अजीत के लिए पहुंचा और एक बार फिर फिजाएं महकने लगी, क्योंकि भगवान के द्वारा बनाया गया एक और जोड़ा जमीन पर एक होने को था। सन 1967 में जब उमा अभी 8वीं कक्षा में ही थी, अजीत के जीवन का अभिन्न अंग बन गई। दोनों ही अपनी दुनिया को सवारते हुए जीवन पथ पर एक एक कर कई पड़ाव पार करते चले गए। सन 1969 में इन्हें आलोक के रूप में पहली संतान की प्राप्ति हुई। सन 1972 में दूसरे पुत्र अमित का जन्म हुआ। सन 1975 में अतुल का और सन 1977 में इकलौती व लाडली बेटी अंजलि परिवार का हिस्सा बनी। विधि के विधान में उमा और अजीत के लिए अभी भी बहुत कुछ था। अजीत, जो सदैव ही सादा जीवन, उच्च विचार का अनुसरण करते रहे हैं, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को बच्चों और परिवार से अलग हटकर दुनिया देखने का एक और नजरिया सुझाया। वह था शिक्षा का नजरिया। 8वीं पास उमा ने सन 1978 में अपनी पुत्री अंजलि के जन्म के बाद झांसी से इंटर किया और फिर BA MA किया। जिंदगी के नवरंग एक एक कर इस उद्यमी जोड़ी की झोली में आते रहे और यह जोड़ा हर चुनौती को चुनौती देता रहा। MA के बाद उमा ने एक प्राइवेट स्कूल में 8 वर्षों तक बतौर अध्यापिका अध्यापन का कार्य किया। फिर सन 1990 में आगरा विश्वविद्यालय से BEd किया। सन 1993 से 2001 तक डिफेंस कॉलोनी स्थित हस्तिनापुरी में अपनी सासू माँ के नाम पर सुशीला बाल मंदिर विद्यालय का संचालन भी किया। अपने जीवन से जुड़े कुछ पलों को याद कर भावुक हो उठी उमा जी की जुबानी सुनते हैं कुछ ऐसे ही न भुला देने वाले पलों की कहानी। एक दुर्घटना हमारे साथ भी ऐसी हुई भयंकर, जो सुन के आदमी कांप जाता है। 91 में मेरे सेकंड नंबर के लड़के का किडनैप हो गया। तो स्टेशन से किडनी निकालने के चक्कर में बॉम्बे ले गए। 18 दिन बाद वापिस आया। वो 18 दिन का दिन मैं किसी को भी बयान नहीं कर सकती किस कदर निकला। यहाँ मैं आया तो पहले तो मुझे बड़ा लगती थी मछली की थी। यहाँ डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने पहले देखते ये कहा कि लड़का जिंदा कैसे, इतना शरीर में इसका नशा है। पहले मेरे को मतलब बड़ा धुड़प करती थी कि नशा मिले कैसे मिले। घर में बांध बांध के रखते थे लोग, रात को घर के ताले लगा देते थे, कुछ नहीं आते थे तो ताले लगा के रखते थे। धुड़प लगती थी अंदर से, कुछ नशा मिले कैसे मिले, कुछ खाने को मिले। फिर उसके बाद करीब काफ़ी टाइम तक इलाज चलता रहा, और कैसे लोगों का इलाज चला। हम लोग जो है एक भदरौली कांड हुआ था उस समय,
उसमें डकैतों ने जो है डांगा डाला था दिन में, तो हमारी पर जा रही थी बस में बैठे थे चार सिपाही, उन्होंने उतरते सर फायरिंग कर दी, तो वो समझे अंदर भी और सिपाही होंगे, उन्होंने गोली टायर में मारना शुरू करी ऊपर कांच में टायर में, उसने इतनी तेज भगाई बस कि वो टायर में कहीं नहीं लगी, उसने कहा अपने आप को बचाओ, अब क्या करा जाए, तो मैं तो सीट के नीचे घुस के अपने बच्चे लेटा के ऊपर लेट गई, लगेगी तो मेरी तो लगेगी। और चिंतू थे, अब्दुल था, बहनिया थी, हाँ और क्या है, बहनिया नहीं थी तो आप तो लड़मिती होंगे दोनों लड़के, ये दो लड़के थे, लड़की नहीं थी, नहीं ये तीनों थे, अतुल भी था नीचे, अतुल फिर अमित और फिर आलोक के तो साइड में करके लेटी थी मैं, तीनों लड़के और हम दोनों जने, मेरे कहते बहनिया थी तो सब में छोटी थी, कुछ महीनों की, तो मैंने उसे घुसा दिया था अंदर, तो वो टह टह रोई भी, तो सर में आवाज़ नहीं निकालो, मैं उसका मुंह दबाऊँ तो बच्चा तो कैसे रुकेगा, और बाकी ये दोनों बच्चे लड़के थे, आलोक नहीं थे हमारे ख्याल से, ये दोनों ही थे। आलोक आज अपनी पत्नी अनुराधा व बेटी शुभी के साथ गुड़गांव में रह रहे हैं। आलोक हीरो होंडा कंपनी में मैनेजर पद पर कार्यरत है, वही अनुराधा गुड़गांव में एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रही है, साथ में शुभी बीटेक कर रही है। अमित ने बीए करने के बाद एमबीए किया, इन्होंने क्राफ्ट बोल से नेशनल लेवल के खिलाड़ी रहने के बाद कई प्रोफेशंस में हाथ दिखाने के बाद अखबार की दुनिया में अपना नाम कमाया। आज अमित का अपना गिफ्ट व डेकोरेटिव आइटम्स का अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इनकी धर्मपत्नी हिमानी उर्फ शालू सोशियोलॉजी से एमए करने के बाद संयुक्त परिवार की प्रथा को सफल बनाए हुए हैं। पूर्वी और तरु दोनों अमित और शालू के प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अतुल LLB पूरी कर आज लेवर लो के शहर के जाने माने वकील हैं, जबकि अतुल की धर्मपत्नी चारू एमए बीएड के बाद नृत्य में प्रभाकर किया हुआ है। इनकी दो पुत्रियां अनवी व अविशी अभी स्कूल से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। अंजलि की शादी सन 2000 में LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत दीपक कुमार मिश्रा से हुई। अंजलि ने एमए नीट के साथ तबला प्रभाकर किया है और आज हिलमैन पब्लिक स्कूल में अध्यापन का कार्य कर रही हैं। प्रांजल और उज्जवल इनके दोनों पुत्र अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। प्रांजल ने 90% से हाई स्कूल अभी उत्तीर्ण किया है, इसके लिए प्रांजल को बधाई और सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं। अजीत और उमा के इस संसार को निरंतर गति मिलती रहे, ऐसी ही प्रभु से हमारी कामना है कि हर दिन हो सोने सा उजला, रात हो चांद सितारों सी, जीवन में खुशियां महके बहती नदियां की धारा से। इनका जीवन नदियां की धारा की तरह अविरल अविकल इसी तरह निरंतर बहता रहे और इनका परिवार खुशियों से ऐसे ही झूमता रहे। हेलो ताऊजी एंड ताईजी, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। नमस्कार ताईजी और ताऊजी, आप दोनों को शादी की 85 सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान आप दोनों को बहुत लंबी उम्र दे और आपका आशीर्वाद पूरे परिवार पर हमेशा बरकरार रहे, यही हमारी कामना है। पालागंज में गौरव, मैं अर्णा, आज अपने ताऊजी और ताईजी को उनकी 50वीं विवाह की वर्षगांठ पर बधाइयां देता हूँ। और हालांकि इस समय हम लोग वहाँ उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारणवश, लेकिन दिल हम लोगों का वहीं है। ताऊ जी हमारे ही मैन रहे हैं शुरू से, उनसे डर भी लगता था हमको, लेकिन उन्होंने कभी डांटा नहीं, हालांकि अपने बच्चों को वो कभी कभार हाथ साफ कर देते थे उनके। और ताई जी हमारी बिल्कुल कोमल हृदय की फ्रेंड, ज्यादा ताई कम हमेशा रही हैं, तो फिर से उनको हम बधाई देते हैं। शुक्रिया पालागंज, बहुत बहुत बधाई, और बहुत मन था लेकिन हम नहीं आ पाए। पालागंज ताऊ जी, पालागंज ताई जी, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे आज प्रिय ताऊ जी और ताई जी, जिनको मैं प्यार से आंटी जी भी बोलता हूँ, वो दोस्त ज़्यादा हैं ताई जी कम, और इनकी आज 50वीं शादी की वर्षगांठ है,
बहुत अफसोस भी है कि मैं वहाँ पर सबके साथ मौजूद नहीं हूँ। इस महा इस अवसर पर होने वाले महाकुंभ में शामिल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने ताऊ जी और ताई जी को शादी की 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे ताई जी और ताऊ जी हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहे। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और चरण स्पर्श। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी ताऊ जी ताई जी। खूब इंजॉयमेंट हो रहा है वहाँ पे, हम लोग मिस कर रहे हैं, सच में मिस कर रहे हैं। देखिए तभी तैयार व्यार होकर बैठे पार्टी में आने के लिए शाम को। खूब इंजॉय करिए, अच्छे से स्पेंड करिए, खूब सारी फोटोग्राफ बहना बहनिया भेजना, किनू भी विश करें नानू नानी को हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। खूब सारी फोटोग्राफ खिंचवाओ, खूब इंजॉय करो, खूब सारे गिफ्ट्स मिले हैं आपको, और सबको यही ब्लेसिंग दीजिए कि सबको खूब अच्छे से अपनी अपनी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। और सच में सबसे अच्छा थैंक्स टू आलोक दादा, अमित दादा, अतुल दादा, बहनियाँ, भाभीियों को, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों के लिए अरेंज किया और इसको इतना सक्सेसफुल बनाया। चलिए हैव फन, इंजॉय, हम लोग बाद में मिलते हैं, बाय बाय।